बात अब राहुल गांधी की। राहुल गांधी की नजर गुजरात में अब मछुआरा वोटरों पर है और इसके लिए आज उन्होंने नया जाल फेंका है। गुजरात के समंदर में मछली पकड़ने वाले मछुआरों के लिए राहुल गांधी ने बड़ा दाव चला है। पोरबंदर की सभा में राहुल गांधी ने कृषि मंत्रालय की तर्ज पर मछली मंत्रालय बनाने का वादा किया। फिशरीज की मछुआरों के लिए एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए। आप ही जो मांगे हैं, आप ही जो कठिनाइयां हैं, उसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी सरकार दिल्ली में आएगी तो यहाँ बात करके आपको सुनाएंगे। राज्यों में मछली पालन का अलग से मंत्रालय होता है लेकिन केंद्र में इसका अलग विभाग नहीं है। गुजरात में कोली समुदाय मछली पकड़ने के धंधे में है। यहाँ इनकी आबादी करीब 24% है। राज्य में करीब 60 लाख मछुआरे हैं। 3000 करोड़ से ज्यादा का सी फूड बिजनेस इनके हाथों में है। इन्हीं के जरिए 1500 करोड़ का सी फूड एक्सपोर्ट किया जाता है। फिशिंग करके मछुआ डालता तो उसका जो फिश निकालने के लिए जगह चाहिए वो भी नहीं मिलती है, उसको आइस लेने के लिए जगह चाहिए वो भी नहीं मिलती है। और सरकार से हमें काफ़ी बार उसके लिए हमने मांग की है लेकिन आज तक इतने सालों में किसी ने भी ये काम करके हमें नहीं दिया। गुजरात के आर्थिक विकास में मछुआरा समाज बड़ी कड़ी है लेकिन बड़ी समस्या ये है कि समंदर में मछली पकड़ने के दौरान इनकी नाव सीमा पार करके पाकिस्तान चली जाती है। इससे हर साल 500 नावें जब्त होती हैं। इस बार मछुआरा समाज क्या करेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। गुजरात में राहुल गांधी अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगे हुए हैं तो बीजेपी सवाल कर रही है कि वो गुजरात के विकास में बाधक क्यों बन रहे हैं। अहमदाबाद में राहुल गांधी जहां मछुआरों से कांग्रेस के लिए वोट साध रहे थे तो अहमदाबाद में ही बीजेपी पूरे तामझाम से 5 सवाल पूछ रही थी। सवाल अमित शाह और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछे रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने, नर्मदा योजना को कांग्रेस सरकार ने क्यों लटका रखा है, नर्मदा बांध के दरवाजे लगाने और बंद करने की मंजूरी क्यों नहीं दी, कच्छ के रेगिस्तान को विशेष अनुदान क्यों नहीं दिया, गांधीनगर को यूपीए सरकार की तरफ से अनुदान क्यों नहीं मिला, क्रूड ऑयल की रॉयल्टी ग्रांट देने में कांग्रेस ने सालों तक अन्याय क्यों किया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।